हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आपको अपने साथ घटी हुई कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। वीडियो सुनने के बाद मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमें भेजी है ऋषभ बख्शी जी ने। आइए अब आगे की कहानी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। ये घटना अथर्व नाम के एक लड़के की है जिसे मैं अच्छे खासे समय से जानता था। उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हुए उसकी लाइफ में, उसकी इन्हीं सब घटनाओं को अब मैं आपको उसी के शब्दों में बताता हूँ। मेरा नाम अथर्व त्रिपाठी है और मैं बेंगलोर से हूँ। यहाँ पर मैं अभी एज ए वेब डेवलपर की जॉब कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहीं से हूँ, बट 2018 से मैं पुणे से जॉब स्विच करके बेंगलोर की इस कंपनी को ज्वाइन करा था। रीज़न सिंपल था, यहाँ पर पे ज़्यादा था। यहाँ पर आने के बाद स्टार्टिंग में कुछ दिनों के लिए मैं अपने दोस्त के पास ही रहा। मेरा दोस्त उसी कंपनी में एचआर की जॉब करता था। जब मुझे वहाँ पर आए हुए थोड़ा टाइम हो गया, उसके बाद मैं अपने लिए एक अपार्टमेंट ढूंढने लगा। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे जाकर एक अपार्टमेंट पसंद आया, बट जब मुझे उसके रेट पता लगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा था और वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा था। इसीलिए मैं परेशान हो गया कि मुझे अपार्टमेंट कैसे मिलेगा। जब मेरी ये समस्या मेरे उस ब्रोकर ने देखी जिसने मुझे वो फ्लैट दिखाया था, तो उसने मुझसे कहा कि सर, वैसे एक फ्लैट है मेरे पास जिसका रेंट भी कम है और वो फर्निश्ड भी है, बस आपके ऑफिस से थोड़ा दूर पड़ेगा, अप्रोक्स 3 किलोमीटर। उसकी इस बात को सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि जिस एरिया में फ्लैट खोज रहा हूँ उस एरिया में मेरा रेंट ओवर बजट जा रहा है, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था। तो मैंने उसे हाँ कर दिया और उसे कहा, ठीक है, मुझे फ्लैट दिखाओ, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है सर, मैं आपको कल ही वो फ्लैट दिखाता हूँ, ऐसा उस ब्रोकर ने कहा। अगले दिन मैं उस ब्रोकर के साथ उस फ्लैट को देखने गया और वो फ्लैट बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे था। सच बताऊँ तो वो बिल्डिंग कुछ क्रीपी सी लग रही थी देखने में। हम लोग लिफ्ट लेकर 10th फ्लोर पर गए। जैसे ही ब्रोकर ने वो फ्लैट का दरवाज़ा खोला, मुझे एकदम से ही कुछ अजीब सी वाइब्स आई। मानो मुझे अंदर से फील हो रहा था कि वहाँ पर कुछ गलत है और मुझे वहाँ पर अंदर नहीं जाना चाहिए, बट मैंने इस बात को इग्नोर करा और ब्रोकर के साथ अंदर चला गया। वो एक 2 BHK फ्लैट था जिसका रेंट सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपये था, और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग बात थी मेरे लिए क्योंकि बेंगलोर के रेट के हिसाब से ये काफ़ी कम था। बट मुझे लगा कि चलो सस्ते में मिल रहा है, शायद बिल्डिंग पुरानी है इस वजह से। यही सब सोचते हुए मैंने उस फ्लैट को डन कर दिया। लगभग 1 हफ्ते बाद मुझे उस फ्लैट में शिफ्ट होना था, तो कुछ ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए अगला 1 हफ्ता तो मेरा यूं ही भाग दौड़ में निकल गया। उसके बाद मैं फाइनली अपने न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। सच सच बताऊं तो मुझे कुछ खास अच्छी वाइब्स वहाँ पर आ नहीं रही थी। वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद से ही मुझे ऐसा लगने लगा था मानो एक अलग तरह की घुटन मुझे हो रही हो। हर वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई मुझे देख रहा है। फिर एक रात डिनर करने के बाद मैं लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था और उसी टाइम पर मुझे एक बहुत ही गंदी स्मेल आई, ऐसी मानो कोई चूहा मर गया हो या फिर कहीं पर मांस सड़ रहा हो। वो स्मेल मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही थी। मैं उठकर ये देखने लगा कि वो स्मेल आखिर कहाँ से आ रही है। मैंने पूरा अपार्टमेंट छान मारा पर मुझे कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखी जहाँ से वो स्मेल आ रही हो। 15-20 मिनट तक मैं स्मेल के मारे बहुत ज़्यादा परेशान रहा और उसके बाद वो खुद ही कहीं गायब हो गई। ये वहाँ पर मेरा पहला एक अजीब सा इंसिडेंट था। अब
धीरे धीरे मुझे वहाँ पर रहते हुए 3 महीने हो गए थे। मैं नोटिस कर रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी थी, छोटी बड़ी हर तरह की। इस चीज़ का एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि अब मैं जब भी ऑफिस निकलने के लिए अपनी बाइक के पास जाता था तो मुझे अपनी बाइक का टायर पंचर मिलता था, या तो फिर ऑफिस में कुछ ना कुछ बुरा होता और मुझे बॉस की डांट पड़ती। बेसिकली मेरे साथ रोज़ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने लगा था। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इसमें पैरानॉर्मल क्या है या फिर इसमें अजीब क्या है, और हाँ इस पॉइंट तक मैं भी आपको इस बात पे नहीं कहता, बट इन सारे इंसिडेंट्स के बाद मुझे लगने लगा था कि कहीं पर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। धीरे धीरे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। अब मुझे एक पॉइंट पर ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है, और मैं काफ़ी ज़्यादा मानो अपनी लाइफ से भटक सा गया था। ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ एक लूप में आकर बस अटक गई है और आगे बढ़ ही नहीं पा रही। धीरे धीरे मैं फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा था। हमेशा मुझे अपने अपार्टमेंट में कुछ देर के लिए मीट के सड़ने की स्मेल आती और थोड़ी देर बाद वो स्मेल अपने आप ही गायब हो जाती। फिर एक दिन मैं किचन में काम कर रहा था और मैंने ऊपर एक कपबोर्ड खोला कुछ सामान निकालने के लिए। वहाँ पर उसके साइड में एक और कपबोर्ड था और मैंने उसे वहाँ पर तब पहली बार खोला था, और जैसे ही मैंने वो कपबोर्ड ओपन किया तब मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि उस कपबोर्ड के अंदर एक पोटली टाइप का कुछ रखा हुआ था जिसमें नमक और 2 नींबू और साथ में कुछ मिर्च रखी हुई थी, और उन्हीं के अंदर से इतनी सड़ी हुई बदबू आ रही थी कि मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। उस बदबू की वजह से मुझे एकदम से चक्कर आने लगे थे। मैंने फटाफट से उस पोटली को विंडो से बाहर फेंक दिया। उस दिन फिर जब मैं रात में अपने घर पर बेड पर लेटा हुआ था तब मुझे अचानक से ही अपने बगल वाले रूम में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बैठ गया और अपने रूम के दरवाजे पर कान लगा के सुनने लगा। वो आवाज़ मुझे एक आदमी की लग रही थी जो कि कुछ तो बड़बड़ा रहा था, पर अजीब बात यह थी कि वो एक अननोन सी लैंग्वेज थी। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मैं ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने एक कोने में रखा एक डंडा उठा लिया। इसके बाद भगवान का नाम लेते हुए मैं उस रूम की ओर बढ़ने लगा। मैंने रूम का गेट खोला और जैसे ही मैं अंदर गया मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं था। लिटरली वहाँ पर कोई नहीं था, बट मुझे साफ साफ वहीं से आवाज़ें आ रही थी और मुझे पक्का यकीन था कि मेरे को वो आवाज़ें वहीं से आई हैं। उस रात को मैं बिस्तर पर लेटा था ज़रूर, पर सो नहीं पाया क्योंकि रात भर मुझे ऐसा लगता रहा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं सुबह उठा तो मैंने आईने में अपने आप को देखा और मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था, क्योंकि मेरी आंखों के नीचे एक ही रात में पता नहीं कैसे डार्क स्पॉट्स आ गए थे। मेरा चेहरा देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं मानो महीनों से सोया ही नहीं हूँ, और मेरे शरीर में एकदम ताकत ही नहीं बची थी। मैं काफ़ी ज़्यादा थकान फील कर रहा था। अब धीरे धीरे हालत ये थी कि हर रोज़ मेरे साथ कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर होता। मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैं जब भी अपना अपार्टमेंट बदलने का सोचता था तो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जिससे मुझे शिफ्टिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ता था। फिर एक दिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि वो लोग मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। लगभग 2 दिन बाद मेरे पापा मेरे घर आए, और उनके बारे में एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरी मम्मी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। उन्हें पुराणों का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, और जैसे ही उन्होंने मेरा फेस देखा उन्हें शक हो गया था कि मेरे साथ कुछ सही नहीं चल रहा। जिस रात मेरे पापा आए थे उस रात मेरे साथ अभी तक की सबसे ज़्यादा बड़ी घटना हुई। दरअसल मेरे रूम से एक अटैच्ड बाथरूम था जिसका शावर रात के समय अपने आप चालू हो गया था। मैंने कंफर्म किया कि बाथरूम में कोई नहीं था, और कुछ समय बाद शावर के साथ एक लड़की के गाना गाने की आवाज़ें आने लगी उसी बाथरूम से। मैं मेरी मम्मी और मेरे पापा तीनों ही ये आवाज़ सुन रहे थे, और हम तीनों ही
एकदम चुप थे। बोलने के लिए हमारे पास अब शब्द नहीं थे। मेरी मम्मी ने फौरन कहा कि मैं एक बाबा को जानती हूँ और उनको मैं यहाँ पर बुलवाऊँगी। मेरी मम्मी ने अपने गांव में कॉल किया और अब क्योंकि वो जो बाबा थे वो मेरी मम्मी के ही दूर के फैमिली रिलेटिव थे, इसीलिए वो लगभग 2 दिन बाद ही बेंगलोर मेरे घर आ गए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, उन्होंने फौरन इस बात को सेंस कर लिया कि वहाँ पर 2 प्रेतात्माएँ हैं और उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से एक पुरुष की थी और एक महिला की। ये बात सुनकर मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। उन्होंने इसके बाद ये भी बताया कि इस घर को छोड़ने से भी अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो आत्माएँ मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और अब मैं जहाँ भी जाऊँगा वो आत्माएँ मेरे साथ ही जाएंगी। जब ये बात मेरी मम्मी ने सुनी तो वो बड़ी परेशान हो गई और उन्होंने उन बाबा से पूछा कि इसका कुछ उपाय बताइए। हर समस्या का कोई ना कोई उपाय होता है, इसका भी ज़रूर होगा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इनसे मुक्ति पाने के लिए एक काफ़ी बड़े यज्ञ का आयोजन करना होगा, पर यह काम मेरे बस का नहीं, क्योंकि ये आत्माएँ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। ये आत्माएँ काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं, जिस कारण इनका सामना कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने बताया कि वृंदावन में उनके गुरु रहते हैं जो कि इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने गुरुजी का पता उन्हें बता दिया और उसके बाद मेरे मम्मी पापा वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद हम वृंदावन जाने के लिए निकल गए और वहाँ पर जाने के रास्ते में मुझे पूरे टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है और मुझे आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। इसके बाद किसी तरह हम लोग वृंदावन पहुँच गए और वहाँ पर जाने के बाद भी हमें बाबा जी के गुरुजी से मिलने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना पड़ा। बट जब हम उनसे मिले तो मुझे देखते ही उन्होंने भी सारी प्रॉब्लम्स बता दी और उन्होंने कहा काफ़ी पुरानी और शक्तिशाली आत्माएं हैं जिनका मुकाबला करना आसान तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक फूल और एक अभिमंत्रित धागा दूंगा। उस फूल और अभिमंत्रित धागे को तुम्हें अपने घर के दरवाजे पर बांधना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उस घर में आज से लगभग 18 साल पहले एक पति पत्नी रहा करते थे। उनमें जो पति था वो रोज़ शराब पीकर आता था और अपनी पत्नी को मारता था। इसी सबसे परेशान होकर उस आदमी की पत्नी ने एक दिन अपने आप को फांसी लगा ली और उसके कुछ ही दिन बाद उसके पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई उसी घर के अंदर। पिछले 18 सालों से उन पति पत्नी की अतृप्त आत्माएं उसी घर में कैद हैं। ये सब सुनने के बाद हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। गुरुजी ने कहा कि इस फूल और धागे के बांधने के ठीक 1 हफ्ते बाद मैं आपके घर आऊँगा पूजा करने के लिए। गुरुजी की बात को मानते हुए हम लोग उनका दिया हुआ सामान लेकर मेरे घर पर वापस आ गए और जैसा उन्होंने बताया था हमने वैसा ही कर दिया। जिस टाइम पर हम लोग वो फूल और धागा घर के गेट पर बांध रहे थे, तब घर के अंदर एक आदमी और एक औरत जिनका चेहरा बेहद भयानक लग रहा था वो हमें बेहद ज़्यादा गुस्से से देख रहे थे। उनका चेहरा इतना भयानक था कि ऐसा लग रहा था मानो सीधा नर्क से आए हों। खैर, हमने ईश्वर का नाम लेते हुए वो फूल और धागा वहाँ पर बांध दिया और उसके बाद ठीक 1 हफ्ते तक हमेशा उस घर में एक आदमी और औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। ठीक 1 हफ्ते के बाद गुरुजी वृंदावन से वहाँ पर आए और उन्होंने पूजा करके उन दोनों ही आत्माओं को एक शीशे की बोतल में कैद कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस बोतल को हमें सौंपते हुए कहा बिहार के गया में प्रेतशिला नामक स्थान है, उस बोतल को हमें वहीं फेंक कर आना है। और एक बात ध्यान रखना, वहाँ पर जाने के बाद जब तुम उस बोतल को वहाँ पर फेंक दो तब पीछे मुड़कर मत देखना। हमने उनकी बात मान ली। गुरुजी ने हमें सावधान किया था कि जैसे ही हम लोग बोतल फेंककर पीछे मुड़कर वापस आएंगे तो हमें लगेगा जैसे कि हमारा कोई अपना हमें पुकार रहा हो। और हुआ भी ठीक ऐसा ही।
मुझे उस समय पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मरी हुई दादी मुझे पीछे से आवाज़ दे रही हैं और मुझे कोई पीछे अपनी ओर खींच रहा है। खैर, इस घटना के बाद तो मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ गई। पर ये हादसा क्योंकि इन सब घटनाओं ने मेरा जीवन ही पलट कर रख दिया। इन घटनाओं ने मेरे अंदर तक की सोच को हिला दिया। आज इस घटना को लगभग 3 साल बीत चुके हैं, पर आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। शायद इन घटनाओं को मैं ज़िंदगी भर कभी ना भूल पाऊँ और ना ही कभी इनके द्वारा पहुँचे हुए सदमे को कभी भूल पाऊँ। मेरे साथ घटी इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, ये बात मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राजस्थान अप्रतिम अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक प्रदेश। यहाँ के प्राचीन किले और महल बेजोड़ हैं, उनकी भव्यता का वर्णन असीमित है, मानो सीधा स्वर्ग ही आ गया हो धरती पर। इस बार हम चारों का भ्रमण था जैसलमेर दुर्ग। स्थापत्य कला की दृष्टि से उच्च कोटि की विशुद्ध स्थानीय दुर्ग रचना है ये दुर्ग। 150 फीट लंबी और 750 फीट चौड़ी तिकोनी पहाड़ी पर स्थित है। स्थानीय स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण 1156 ईस्वी का है, किंतु समकालीन साक्ष्यों के अनुसार 1178 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जिसका आरंभ रावल जैसल ने किया। पर 5 वर्ष के छोटे से समय में ही रावल जैसल का देहांत हो गया। इसके उपरांत उसके उत्तराधिकारी शालीवाहन ने निर्माण कार्य जारी रखकर दुर्ग को मूर्त का रूप दिया, जो आज भी एक प्रहरी की तरह सिर उठाए सैलानियों का आकर्षित कर रहा है। बहुत आनंद विभोर हो उठे हम विशुद्ध राजस्थानी कला को देखकर। मुगलों की कला से एकदम अछूता, संपूर्ण हिंदुत्व से परिपूर्ण। यहाँ ऊंचे ऊंचे सुंदर महल हैं, मंदिर हैं, प्रशासक और जनसाधारण के निवास हेतु मकान बने हुए हैं। भोले भाले राजस्थानी, वहाँ पर हमारी शुरू हुई आवभगत विशुद्ध राजस्थानी संस्कृति। आते समय हमने देखा कि दूर से ही यह सोने के मुकुट की तरह चमक रहा था, क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ था। थार के रेतीले समुद्र में एक स्वर्णिम कल्पना। और अब हम आ गए हैं किले के भीतर, महल और इमारतों को देखने। पीले सैंडस्टोन पर नक्काशियाँ नजरें हट्टे का नाम ही नहीं ले रही थी। पत्थरों में विविध बेलबूटे, जालियाँ, गवाक्ष, गजब गजब। किले के अंदर खूबसूरत जैन मंदिर, इनकी मूर्तियाँ पौराणिक गाथा सुनाती हैं। ऐसा लगता है ये मंदिर 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बने हुए हैं। हम इस अलौकिकता में 4 दिनों तक डूबते रहे और घूमते रहे, लेकिन आखिर वापसी भी तो करनी थी। अब हम चल दिए वापस अपने शहर जोधपुर की ओर। करीब 292 किलोमीटर की दूरी हमें अपनी कार से ही तय करनी थी। 6-7 घंटे का सफ़र था लगभग। संजू, तेज चलाना यार, कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। पीछे की सीट से रोहित और आशीष उसे उकसाए जा रहे थे और मैंने कार की गति थोड़ी तेज़ कर दी। इसी बौखलाहट में पता ही नहीं चला कि कार कैसे गलत रास्ते पर आ गई। एक घने जंगल से होकर हम लोग गुजर रहे थे, जिसके एक तरफ तो पहाड़ नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ जंगल। तभी एकदम से धूल भरी आंधी उठी और सामने धूल के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं ब्रेक लगाता, गाड़ी खुद ही एक पेड़ से टकराकर रुक गई। अमित ने पिछले पहिए देखे। अरे यार संजू, ये क्या कर डाला, दोनों टायर पंचर हो गए। ओफो, इस भरी दोपहरी में हम जाए तो जाए कहाँ, आंधिया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुनसान वीरान इलाका और साए साए करती हवाएं, मदमस्त झूमते पेड़ों की शाखाएं और पत्तों की सनसनाहट खड़खड़ करके आसमान में उड़ते हुए पत्ते अलग ही माहौल बना रहे थे। बड़ा ही भयभीत सा दृश्य था। हम चारों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और शुष्क गले को तर करते करते हमारा पानी भी
समाप्त हो गया। अमित साहस करके एक पेड़ पर चढ़ा। वो देखो, उधर एक गांव नजर आ रहा है। हम चारों ने धड़कते हृदय से उस घने जंगल को पार किया और चल दिए उस अनजान गांव की ओर। अरे ये क्या, ये तो बिल्कुल ही सुनसान है, उजाड़ सा, एकदम वीरान। खंडर बन चुके मकान, गिरती खंडित दीवारें और वीरान ही वीरान। मानव क्या, वहां पर तो पंछी तक नहीं था। दूर एक छोटे से टीवे पर एक मंदिर नजर आया। आशान्वित होकर हम वहां पर भाग कर गए और वहां पर देखा एक दरार पड़ता हुआ शिवलिंग और एक मजबूत जंग लगी जंजीर से लटका हुआ घंटा, वो भी जंग लगा हुआ। हे प्रभु, अब तेरा ही सहारा है। और हम घंटे को जोर जोर से बजाने लगे, शायद वहां की आवाज़ सुनकर कोई वहां पर आ जाए। कोई आया तो नहीं, लेकिन प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली थी। कंठ प्यास से सूखा जा रहा था और हमने टीवी पर से गांव के अंदर देखा तो हमें कुछ कुएं नजर आए। हम भागकर पानी की आशा में वहां पर पहुंचे, लेकिन ये क्या, जब भी हम किसी कुएं के मुंह में झांकते तब उसमें से हमें काफ़ी तेज चीख सुनाई देती। बहुत डर लग रहा था उन सूखे पत्तों पर चलते हुए, अपने ही पैरों की आवाज़ से डर लगने लगा था। पत्तों की आवाज़ें तो वातावरण को और ज़्यादा भयानक बना रही थी। धीरे धीरे चलकर एक टूटे हुए चबूतरे पर जाकर हम लोग बैठ गए। शांति इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब हमें अपने दिलों की धड़कनें खुद ही सुनाई दे रही थी। इसी तरह पूरा दिन कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। रात के समय जो हमारे पास थोड़ा बहुत खाना था हमने उसे खा लिया, और वहाँ पर कुछ हमें काले कुत्ते जो दिखे थे उन्हें भी हमने अपने साथ में ही खिलाया। अंधेरा होते होते अब मौसम ठीक होने लगा था और अब हमें आसमान में चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। अरे पूरा चांद, आज तो पूर्णिमा है। और तभी गांव की तरफ से हमें काफ़ी तेज चीखों की आवाज़ सुनाई दी। हम लोग डरते डरते गांव की तरफ देखने लगे। पूरा गांव चांद की रोशनी में नहा रहा था। आश्चर्य हमें उधर देखते ही हुआ, क्योंकि जैसे ही हमने वहां देखा चीखों की आवाज़ बंद हो गई, परंतु सिसकियों की और रोने की आवाज़ आने लगी। हमने देखा कि कुएं के ठीक ऊपर बिल्कुल सफ़ेद एक सफ़ेद साया वहां पर दोनों बाजू फैलाए, मानो हमें ही बुला रहा था। रोहित बोला, वो देखो, वो हमसे कुछ कहना चाहती है। और सबसे पहले वो कुत्ता उठकर पूंछ हिलाता हुआ चल पड़ा और हम पांचों उसके पीछे पीछे। न जाने क्यों, जहां से कुछ समय पहले हम डरकर भागते हुए आए थे वहीं किसी विशेष कार्य के लिए हम लोग जा रहे थे, किसी संवेदना से अभिभूत होकर। मानो सम्मोहन के कारण हम लोग उस जगह तक पहुंचे और वहीं पर उस सफेद साई के सामने जाकर खड़े हो गए। मुझसे डरो मत, हमारा उद्धार करो। न जाने क्यों ये बात सुनकर अब हमें भी डर नहीं लग रहा था। कौन है आप, मैंने पूछा। अब वो हमें उस गांव की कहानी इस प्रकार सुना रही थी कि मानो गांव का दृश्य हमारी आंखों के सामने ही चित्रित हो उठा। आज से 300 साल पहले ये बहुत सुंदर गांव था। हरे हरे पेड़, फलों से लदे हुए बगीचे, आसमान में उड़ते हुए पंछी, नाना प्रकार के रंगों से रंगीन मकान। पता है मंदिरों को सात रंग से रंगते थे, प्रतिदिन महकते ताजा पुष्पों से सजाते थे। हर तरह से धन धान्य से परिपूर्ण था ये गांव। नाम था रूपागढ़ी। मेरा नाम मोहिनी है और मैं इस गांव के मुखिया की बेटी थी। ये सारे सूखे कुएं उस समय मीठे जल से भरे हुए थे। कुओं के पानी को पीने के काम में लाते थे और गांव के पीछे एक तालाब था, वहीं पर हम लोग नहाने जाते थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारा पूरा गांव उजड़ गया। वो गणगौर का दिन था, माता की पूजा की तैयारियां हो रही थी और मैं अपनी सहेलियों के साथ पीछे तालाब पर स्नान करने गई हुई थी। तभी अचानक डाकुओं ने गांव पर हमला बोल दिया और सब कुछ तहस नहस कर डाला। जो लोग जान बचाकर भागे बस वो ही जिंदा बचे।
जब हम सातों सहेलियां तालाब से वापस आई तो हमने देखा कि हमारी आंखों के सामने ही हमारा प्यारा गांव उजड़ चुका था। चारों ओर बस लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। हम सातों सहेलियां अपने परिजनों के मृत शरीर से लिपट लिपट कर रोने लगी और तभी हमें आहट हुई कि डाकू दोबारा वापस आ रहे हैं। शायद हमारे विलाप की आवाज़ें उन डाकुओं ने सुन ली थी। हम सातों ने एक दूसरे की आंखों में इशारा किया और उन डाकुओं से बचने के लिए इन कुओं में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। गांव के लोग कभी वापस नहीं आए। उन्होंने समझा होगा कि डाकू हमें उठाकर ले गए होंगे। तब से सैकड़ों सालों से हमारी आत्माएं यहीं पर तड़प रही हैं। आज ऐसा संयोग आया है कि पूर्णमासी की रात को आपने हमारे दर्द को सुना, वरना आज तक कोई भी इस गांव में आया ही नहीं। अब आप हमारी मदद करिए। पर कैसे? हम कैसे कर सकते हैं आपकी मदद? पहले तो आप इन कुओं में से हम सब सखियों की अस्थियां निकाल कर किसी नदी में बहवा दीजिए। फिर इन कुओं की शुद्धि करवा कर यहाँ पूजा करवा दीजिएगा। हमारा मोक्ष हो जाएगा। और फिर जिन गरीबों के पास घर नहीं है, जो दर दर भटकते रहते हैं, उन्हें इस गांव में बसवा दीजिएगा। गांव को आबाद देखकर ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। इन सब कार्यों के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। हमारी उस हवेली के खंडहर में तुम्हें एक भूगर्भ दिखाई देगा। उस भूगर्भ में बाएं हाथ की तरफ एक छोटा सा कमरा होगा। उसको खोदने पर तुम्हें सोने चांदी की गिन्नियों से भरे दो कलश मिलेंगे। उनसे गांव का पुनर्निर्माण हो जाएगा। अब भोर होने को है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। भोर होते के साथ ही हमारे कुत्तों ने भौंक भौंक कर और कुत्तों को भी इकट्ठा कर दिया और वो सभी कुत्ते एक ही सुर में आलाप करने लगे। इसी आलाप के कारण आसपास के गांव वाले वहां पर आने लगे। अब हम जोधपुर जाना बिल्कुल भूल गए थे। कुओं के चारों तरफ हम लोग सफाई करने में लगे हुए थे। जिन पत्तों की आवाज़ से हम कल डर रहे थे, आज उन पत्तों को हम अपने हाथों से उठाकर एक तरफ कर रहे थे। जैसा जैसा हमसे कहा गया, हमने ठीक वैसा ही करा और सबके बाद हमें एक आंतरिक शांति की अनुभूति हुई। एक ऐसी शांति जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी घटना की ओर और ये घटना हमें बताई है मनीषा ने। आइए आगे की घटना को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम मनीषा है और मैं जबलपुर से हूँ। अभी मेरी उम्र लगभग 35 साल है और जो घटना मैं आपको बता रही हूँ, ये आज से लगभग 8 साल पहले की है। दरअसल उस समय पर मेरी शादी को 2 साल हुए थे और मैं उस टाइम पर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी। दरअसल मैं आपको अपने गांव के बारे में, जहाँ से मैं आई थी, कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे गांव में ये बोलते थे सब लोग कि वहाँ पर लोग दूसरों के ऊपर कुछ न कुछ भिजवा देते हैं, टोने टोटके, जादू टोना आदि। इसी कारण मेरी माँ बचपन से ही मुझे एक ताबीज़ पहना कर रखती थी। वो ताबीज़ मेरे लिए एक तरह से एक प्रोटेक्शन की तरह था। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद ही मैं अपने गांव गई थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए उस टाइम पर बस 2 महीने हुए होंगे। गांव से आने के बाद मैं वापस से अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहने के लिए आ गई। इन्हीं बीच कुछ घटना ऐसी हुई जिसमें मेरे गले का वो ताबीज़ मुझसे निकल गया और मेरा इस बात पर ध्यान भी नहीं गया। एक दिन सुबह सुबह मेरे हस्बैंड उठकर जल्दी जल्दी काम वाम करके अपनी जॉब के लिए चले गए थे। मुझे अभी आलस आ रहा था, इसलिए मैं बेड पर ही लेटी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर और लेटूंगी और उसके बाद में उठूंगी। मैं अपने बाएं हाथ के करवट पर थी। अब मुझे ऐसे एक करवट में लेटे लेटे दर्द होने लगा था, इसीलिए मैंने करवट बदलने की सोची और मैं दूसरे साइड की करवट पर आ गई। मैंने टीवी ऑन कर रखा था। थोड़ी देर पहले तक मैं न्यूज़ ही देख रही थी। जब मैंने अपनी करवट बदली, उस टाइम पर भी टीवी ऑन था और मुझे टीवी पर न्यूज़ रिपोर्टर के वेदर के बारे में कुछ बोलने की बात सुनाई दे रही थी। उसी टाइम पर एकदम से ही मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो बेड था वो एक साइड को झुकने लगा।
सच में मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई और यूं कहूँ तो एकदम से कांप गई। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर इतनी ताकत है जो कि बेड को एक साइड पर धकेलने में कामयाब हो रही है। मैं डर चुकी थी, मैं हिलना भी नहीं चाहती थी अब। और तभी मेरी आंखों के सामने वो चीज़ आई। वो एक राक्षस जैसा आदमी ही था। वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था, दिखने में इंसान जैसा पर कुछ और। वो अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के सहारे ज़मीन पर रेंग रहा था। वो उसके बाद बिस्तर के साइड में आया और बिस्तर के ऊपर चढ़ने लगा। मुझे लगा वो शायद मेरे ऊपर आएगा, पर वो बेड के साइड साइड में ही चारों ओर घूम घूम कर रेंगते हुए चक्कर लगाने लगा। उसकी पीठ पर बहुत लंबे लंबे बाल थे, चेहरा काफ़ी बड़ा था और एकदम काला सा था। एकदम से ही वो मेरे सामने आया और मेरे सामने से एकदम से घुर्राने लगा। वो मुझे छू नहीं रहा था, पर उसके मुंह से उसकी जीभ बाहर को लटकी हुई थी। उसने अपनी जीभ से ही मेरे हाथ को छुआ। उसकी जीभ का एहसास मुझे हुआ और वो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जीभ उसके मुंह से जुड़ी हुई है ही नहीं, बस बाहर को लटकी हुई थी। और तभी मुझे पता नहीं कहाँ से एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, उसकी सांस में सांस मत लेना। जैसे ही मैंने ऐसा सुना, मैंने अपनी सांसें रोक ली और वो जो चीज़ थी वो एकदम से हंसने लगी। वो जानती थी कि मैं ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊँगी, और क्योंकि मैंने कोई गहरी सांस भी नहीं ली थी इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक अपनी सांस रोक भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने अपने मुँह को अपने हाथों से बंद कर लिया और अपने मुँह को बंद करने की कोशिश करने लगी। उसके बाद वो चीज़ मेरे मुँह के सामने ही अपने मुँह से कुछ धुएं जैसा बाहर निकालने लगी। वो कुछ काला सा धुआं था जो कि उसके मुंह से बाहर आ रहा था। मुझे सांस तो लेनी ही थी, मैं बहुत धीरे धीरे अपनी नाक से सांस लेने की कोशिश करने लगी। और तभी मुझे ख्याल आया मेरे बच्चे के बारे में, और मेरे दिमाग में बस एक बात आई कि मुझे उसे बचाना होगा। मैंने भी सांस बिल्कुल भी ना लेने की कोशिश करी, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वो चीज़ लगातार हंसती रही और एकदम से ही वो उठी और फिर वहाँ से जाने लगी। जाने से पहले उसने मेरी ओर पलट के दोबारा देखा और तब मैंने उसका चेहरा और अच्छे से देखा, एकदम लाल और काला चेहरा। ऐसा लग रहा था सीधा नरक से चलकर आया हो। वो बहुत ही भयानक हंसी हंस रहा था। इसके बाद दरवाजे के दूसरी तरफ जाकर वो कहीं गायब हो गया। कुछ देर तक मैं वहीं पर बिना हिले लेटे रही और तब मैंने अपने एक हाथ को उठाया और खुद भी उठी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, मुझे नहीं पता था कि वो क्या था और क्या करने के लिए आया था और मुझसे क्या चाहता था। पर उसके बाद मैंने ये सारी बात जैसे ही अपनी मम्मी को बताई। उन्होंने बताया ये ज़रूर किसी न किसी की करनी है जो कि मेरे ऊपर बस आने ही वाली थी, और वो तो शायद बस ईश्वर की कृपा है कि मैं बच गई। मेरी मम्मी ने मुझे दोबारा एक ताबीज़ दिया और अब की बार एक रक्षा सूत्र भी दिया जिसे मैंने अपने घर के बाहर बांधा। इस घटना को तो अब काफ़ी समय हो गया है और अब मेरा बेटा भी है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, पर इस घटना के बारे में सोचने भर से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ आज भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो पे एम करते हैं 250 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।